आज हम लोग बात करते हैं वर्ष 2021 के प्रमुख पहल के बारे में बात करते हैं। पहला जो पहल है वो है न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल। तो न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल किसने जारी किया था? केंद्र सरकार ने जारी किया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाना और स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना। तो न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज का मतलब क्या होता है? पहल का मतलब केंद्र सरकार ने इसको जारी किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाना तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना। भाषा संगत पहल, इसको शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया था। स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाना, इसका उद्देश्य क्या था? स्कूली बच्चों को 22 भाषाओं में दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य सिखाना। रक्षक पहल योजना किसने जारी किया था? ओडिशा सरकार ने जारी किया। सड़क दुर्घटना संभावित जगहों के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना। सात पहल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जारी किया था। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। मुस्कान पहल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाना। निर्भया एक पहल, इसका जारी किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया निर्भया एक पहल, जिसका उद्देश्य था राज्य के 75,000 महिलाओं को बैंकों से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। यानी राज्य के 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी कि लोन। ई फसल सर्वेक्षण पहल महाराष्ट्र सरकार के जारी किया था। किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु इसे राजस्व और कृषि विभाग द्वारा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से लागू किया जाएगा। अगला है सरकार प्रज्ञा पहल, इसको जारी किया था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसके तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है वैक्सीन मैत्री पहल, केंद्र सरकार ने जारी किया। यह भारत द्वारा पड़ोसी देशों को COVID-19 टीकाकरण प्रदान करने की पहल है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5,00,000 टीके प्रदान किए गए, इसके बाद बहरीन को। तो पहले भाग में किसको प्रदान किया गया टीका? श्रीलंका को, और दूसरे में बहरीन को। संवेदना पहल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया। संवेदना पहल किसने जारी किया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किया। कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। अगला है अनामय पहल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जारी किया। ठीक, इसका उद्देश्य था आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना। अनामय पहल। जेल पर्यटन पहल महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल से पहल की शुरुआत की। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। पिंक प्रोटेक्शन पहल केरल पुलिस, इसका उद्देश्य महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना है। लघु व्यवसाय ऋण पहल फेसबुक, इसका उद्देश्य छोटे व मध्यम व्यवसायियों के लिए ऋण की पहुंच को अधिक सुलभ बनाना है। तो ये थे आपके 2021 के प्रमुख पहल। आइए कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्पादन और भारत का स्थान। तो आर्थिक समीक्षा में एक उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन और भारत का स्थान जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो प्रोडक्शन में देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार उत्पादन यानी प्रोडक्शन में जो दूध है यानी मिल्क, वो भारत का पहला स्थान हासिल है। दूध में भारत का पहला स्थान, मछली भारत का दूसरा स्थान है, अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, मांस उत्पादन में भारत का पांचवा स्थान है। तो सबसे ज्यादा नंबर वन पे अगर देखा जाए 2021 के अनुसार, तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। मछली में दूसरा, अंडा में तीसरा,
और मांस में पांचवा। उसके बाद बात करें कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात में, कपड़ा एवं वस्त्र उत्पादों के निर्यात में भारत का छठा स्थान है। कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात में एक्सपोर्ट में भारत का छठा स्थान है। पहले स्थान पर चीन, दूसरा पे जर्मनी है। रोड नेटवर्क की लंबाई में, रोड नेटवर्क की लंबाई में भारत का दूसरा स्थान है, पहला अमेरिका। उसके बाद कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। तो कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात में भारत का छठा स्थान है, पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान जर्मनी का। रोड नेटवर्क की लंबाई में भारत का दूसरा स्थान और पहला स्थान अमेरिका का है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, और कुल मिलाकर तो इसके साथ आपने देखा था कि दूध उत्पादन में पहला स्थान, मछली उत्पादन में दूसरा स्थान, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान, मांस उत्पादन में पांचवा स्थान, कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात में छठा स्थान, रोड नेटवर्क की लंबाई में भारत का दूसरा स्थान, कच्चे इस्पात के उत्पादन में दूसरा स्थान। दैट्स ऑल फॉर टुडे।